वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत्संग जी 27 तरीक आ रही, सारे गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के संगत रूपी परिवारक मैंबरों नूं पता है, हर महीने की 27 तरीक नूं असी बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े नूं, आगमन दिहाड़े नूं समर्पित करके बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोर पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। इस वार का भी चुपहरा जप तप समागम सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक होएगा। मेरी सारे परिवारक मैंबरों के चरणों से बेनती, मैं पता है अमृत वेले के समागम चल रहे हैं, पर प्यारे किसी ने भी चुपहरे के अपना नेम भुगता दे गैर हाजिरी नहीं करनी। अमृत वेले उठ लिया, ये नेम तोड़ दिता, फिर गल नहीं जे बननी। येम भी रूटीन सब ने भुगता है, और सब नूं पता है बाबा दीप सिंह जी चुपहरे ते किवें बहिंदे ने, एक एक दियां झोलियां भरन वास्ते, एक एक नूं दातां नहीं देंदे, दातां वंडण वाला बनाउंदे ने। मैं हजारां प्रेमी तुहानूं विखा सकदा जिहड़े तुहानूं कहणगे असीं चुपहरियां दे विच जदों जाणा शुरू कीता गुरु रामदास बाबा दीप सिंह ने सानूं आह दात देती, आह दात देती। ते मेरी बेनती है 27 तरीक नूं परिवारां समेत वहीरां कत्त के सारियां संगतां ने तकरीबन 9 बजे तक पहुँच जाओ, प्रशादा पानी छक के चौंकड़े मार के फिर पूरे चुपहरा जप तप समागम के हाजरियां भरन की कृपालता करो। और सवेरे 8 बजे 27 तरीक न सवेरे 8 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जड़ियाँ अमृतसर शहर तो आने वाली संगत ने, जां तरन तारण साहब वालों उधरले पिंडों तो आने वाली संगत ने, उन्होंने राम तीर्थ रोड आने के लिए जो बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो 8 बजे सवेरे बसों का प्रबंध किया गया, जिहड़ियां बसा संगत नूं लै भी आउणगियां राम तीर्थ रोड ते वापसी समाप्ति तो बाद उत्थे छड भी देणगियां। आओ बाबा दीप सिंह जी दे कोलों खुशियां लैण दा समां, बापू दीप सिंह दा जन्म दिहाड़ा रल मिल के मनाईए, बापू दीआं खुशियां लईए। ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, बहुत ही जरूरी सुनेहा है, इनू सुनियो भी और हर सोशल मीडिया साइट के उत्ते शेयर भी करो। जिमें कि सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरों नूं पता है कि रोजाना 40 दिन का अमृत वेले का समागम बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड विखे प्रारंभ होया, पर मौसम दे विच कुछ तब्दीली होने दे करके ये संगत ध्यान नाल बेनती सुने, मौसम विच कुछ तब्दीली होण करके ये जिहड़े अमृत वेले दे समागम ने 16 जून तो 16 जुलाई तक जिहड़े 30 दिनां दे समागम ने, वो बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे होणगे। फिर मैं दोहरा रहा, 16 जून तो 16 जुलाई तक दे एक महीने दे जिहड़े समागम ने, वो बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे रोजाना अमृत वेले 3 तो 5:30 बजे होया करनगे। सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां दे चरणां च बेनती, हुम हुमा के ये अमृत वेले दे समागमां दे विच आके जुड़ो और गुरु रामदास जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। मैं अगे भी जिवें तुहानूं पहले बेनती कीती है, ये 40 दिन अमृत वेला संभाल लो, गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी तुहानूं संभालणगे। और जिहड़े बहुत दूर दरेडे रहण वाले हो उहनां नूं मैं बेनती करदा, 12 जुलाई तो 16 जुलाई घट तो घट 5 दिन आके तो हाजरी जरूर भरियो। जिहड़े कोई बंबई रहिंदा, कोई इंदौर रहिंदा, कोई किते बहुत दूर दूर जिहड़े रहिंदे हो, लाइव के माध्यम राहीं तो तुसीं जुड़ना ही है, पर 5 दिन आके शरीरक तौर पर भी जरूर हाजरियां भरियो। ये मेरी बेनती, टिकटां वगैरह बुक करा लो। 12 जुलाई तो 16 जुलाई तुसी भी आके सारे परिवारक मैंबरां ने हाजरियां भरनिया ने। बाकी फिर मैं रिपीट करने कि 16 जून तो 16 जुलाई तक ये एक महीने के जेडे अमृत वेले के समागम रोजाना 3 तो 5:30 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे होणगे। आओ गुरु पिता दीआं खुशियां लईए, गुरु साहब दीआं रहमतां दे पात्र बनीए, और अपने अपने नगरां दे विच एक ढंडोरा दे दिओ, एक हलूणा दे दिओ कि अमृत वेला संभालो जी, ये लहर हर पासे चला दिओ। जिहड़े बहुत दूर दूर रहण वाले अपने पिंडां विच नगरां दे विच प्रोजैक्टर ला लो,
अमृत वेले सारी संगत नूं इकट्ठियां करिया करो, दो ढाई घंटे बह के कीर्तन दा सिमरन दा आनंद लिया। ये रूटीन पक्की सैट कर लो कि 40 दिन असी प्रोजैक्टर ला के अपने अपने इलाकों विच, अपने अपने मोहल्लों के विच, अपने अपने गुरु घरां दे विच जुड़ना है। और जिथे जिथे तुसी प्रोजैक्टर लाओ, तुहाडे इलाके विच संगत जुड़े, और सानू वीडियो क्लिप जरूर भेजियो कि साडे इलाके विच इदां संगत जुड़ रही। फिर वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते संगत दे सामने शेयर करांगा, होर संगत नूं इहदे नाल उत्साह मिलेगा। भुल्लियो ना, 16 जून तो 16 जुलाई बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे अपन सारे परिवारक मैंबरां ने सवेरे 3 to 5:30 तक, 2:30 सारे मैंबर पहुँच जाया करो, 3 to 5:30 तक अपन सारिया ने अमृत वेले के समागमों में जुड़ना। ये सारा समागम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते रोजाना लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनियां मर्जियां अंदरों मुक गई ने, हुण जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी है। हाँ जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी है जी, ते गुरु की मर्जी अमृत वेला रोज संभाल। आखो वाहिगुरु जी, गुरु की मर्जी नितनेम का पहरा डट डट के ला, गुरु की मर्जी दसा नौवां की सच्ची सुची किरत कर, गुरु की मर्जी पराए तन तो पराए धन तो पराई निंदिया तो बच के रह, ये गुरु की मर्जी है। महाराज मैं अज अपना आप तुहानू दे रहा, आत्म समर्पण कर रहा, मैं शरण में आ गया, शरण में। ते जेड़े इदा शरण में आ जाते हैं ना, पंचम पातशाह कह रहे, फिर उन्होंने परमेश्वर पिता मेरे गुरु रामदास तत्ती वाह नहीं लगन देते। किवें कह रहे, पढ़े हो। और मेरी एक बेनती है, एक भी कथा का कीर्तन का किणका मन रूपी खेत के बाहर ना जान देना। सावधान होके ये ना होवे उद्दम करके आ भी गए इत्थे नींद जोर पा देवे, उद्दम करके आ भी गए संगत च बह के भी अमृत वेले भी गल्लां करी जाइए। बस ये चीज़ां का ध्यान रखियो, आए आ खाली पर जदों जाइए भर के जाइए। आखो श्री अकाल, आए भावे खाली हाँ पर जान लगे दातां दे नाल झोलियां भरिया होण, आनंद ते तां आएगा। बापू कहेगा, हाँ मेरे पुत्रा अज तू सही कम करके आया। आओ, किवें कह रहे पंचम पातशाह, जेड़े ओदी शरण में आ जाते उन्होंने तत्तियां हवावां तो बचा लेंदा साहब। ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, चौगिर्द हमारे राम कार। सारी संगत बोलो, चौगिर्द उची, थोड़ा उची, चौगिर्द हमारे राम कार, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। पढ़ो, ताती न लगई पार ब्रह्म शरणाई, न लगई पार ब्रह्म शरणाई। वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
मेरे हजूर छेवे पातशाह विराजमान ने गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी दे मालक बुलाया भाई बिधि चंद जी ने भाई साहब तुहाडी एक सेवा लाउणी है महाराज हुक्म करो कहिंदे सिख बड़े प्यार दे नाल गुरु घर दे लई दुशाले लिया रहा सी पट्टी दे राजे वलों वह दुशाले राह दे विच लुट ले गए गल दुशालिया की नहीं गल है बड़ी भावना न लिया रहा सी ते गुरु घर की चीज़ गुरु घर दे विच पहुँचनी चाहिए है तुसी जाओ पट्टी दे राजे दे कोलों वह दुशाले वापस ले आओ सत बच्चा हुण गल सुनियो कई बारी असी तुसी सवाल करते हैं ना नाम 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 की हुंदा है नाम की है प्यारे ओ तू गुरु दे हुक्म नू मनना शुरू कर दिता ए तेरे लिए नाम बन गया मैं जिवें कहा ना हुक्म मनीए पाईए गुरु दे हुक्म नू मनना शुरू कर दिता तेरे लिए नाम बन गया गुरु ने कहा अमृत वेला संभाल तू संभालन लग पिया तेरे लिए नाम स्पैशली तेनू कितों गुरु घर दे विचों होर कितों नामदान लैण की लोड़ नहीं हाँ पंज प्यारे जदों नाम दृढ़ करवाउंदे ने वह वक्री मर्यादा है जदों अमृत संचार होंदा है पर असी कहीए कि असी फलानी जगह ते गए उत्थों गुरमंत्र लैके नहीं भाई सानू गुरु नानक नूं मनण वालियां नूं कितों स्पैशली होर थां तों गुरु मंत्र लैण की लोड़ नहीं असी गुरु दे बचन मनन लग पे वह साडा गुरमंत्र ही है वह साडे लई गुरमंत्र है गुरु पिता जी ने तेनू हुक्म कर दिता तेनू बचन कर दिता निम्रता दे विच रह तू रहना शुरू कर दिता ये तेरे लई नाम बन गया गुरु पिता ने बचन किया निर्वैरता वाला जीवन बना तू बना लिया ये तेरे लई नाम बन गया जी जो गुरु ने कहा उनू मन नाम आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार ना लख ने जी धन बाबा दीप सिंह जी भाई बिधि चंद जी नू महाराज ने जदों हुक्म लाया ना ते उना ने हुक्म मन के महाराज दे चरणा दे विच अरदास करके चले पाते ते रूप बदल लिया भेस बदल लिया हुण जदों भेस बदलिया पट्टी दे राजे दे महलां दे विच दाखल होण च कामयाब हो गए
ते बस्तरां दे थले शस्त्र सी। हुण ओ जिहड़े दुशाले सी उहनां नूं लैण दे विच वी कामयाब हो गए। मैं बिल्कुल संखेप च बोल रहा, तो जदों दुशाले हासिल किए ना सब पासे रौला पै गया, रौला कि कोई आया दुशाले चुरा के लै गया, पर सी गुरु घर दे। हुण जदों रौला पिया सिपाही पिछे लग गए, तो पट्टी दे राजे ने एक ऐलान करवाता, पट्टी दे जिन्ने भी दरवाजे ने ना आउण जाण वाले शहर दे विच आउण जाण वाले दरवाजे सब बंद करा दिओ, बंद हो गए। हुण पिछे पुलिस लगी, सिपाही लगे ने, भाई विधि चंद जी लुकण नूं थां लभदे ने, ते सामने एक पड़भूंजा सी, उहदी पट्ठी सी पूरी तप रही सी, हुणे बंद कीती अक वांगू पूरी तप रही है, लाल है। भाई विधि चंद जी कहिंदे मैं गुरु दा सिख हाँ, सिपाही पिछे लगे ने कोई लुकण नूं थां, ते उन्हें इन्नी गल कहती मेरे कोल ते भाई होर कोई थां नहीं, बस ये पट्ठी है, पट्ठी तप रही अग वांगू तप रही। हुण भाई विधि चंद जी छेवें पातशाह जी दे चरणां दा ध्यान धरिया होया, महाराज तेरे हुक्म नूं मनण वास्ते आए हां, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे, तेरे हुक्म नूं बजाउण वास्ते आया, ते पैज भी आप ही रख लै। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणां दा ध्यान धर के अरदास करके बल दी कोई पट्ठी दे विच भाई विधि चंद जी ने छाल मार दित्ती, बल दी हुई पट्ठी च। ते कई इतिहासकारां ने इत्थों तक लिखिया जदों पट्ठी दे विच छाल मारी ना, ते नाल ए शब्द पढ़न लग पए, ताती वाओ ना पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। ते दूजा शब्द भी नाल पढ़दे ने, पता केड़ा शब्द पढ़े हो, मेरी बेनती रह राज साहब जी दे विच गुरु अर्जन दे पातशाह जी दी रसना तो ये बचन जेडे उच्चारण होए ने असी रोज़ पढ़ते हैं। पहला शब्द पढ़ते ने ताती वाओ ना लग गई, ते दूजा शब्द पता केड़ा, जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही, जिथे तू समरथ जिथे जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही, उठे तेरी रख अग्नि उदर माहे, उठे तेरी रख अग्नि उदर माहे, जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही, पढ़ो जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। महाराज जिन्ने बैठे आ ना सब ते एक मेहर दा छट्टा दे दे, सब ते चंगे आ मंदे आ नलायक आ होशियार आ, पर तेरे आ तेरे गुणवान आ औगण आ रहे आ, पर तेरे आ तेरे। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जागे, सुन के जम के दूध नाए तेरे छड़ जागे, नाए तेरे छड़ जागे, नाए तेरे छड़ जागे, नाए तेरे छड़ जागे, नाए तेरे छड़ जागे। सुन के जम के दूध
बिखमस को हो गुर शब्दी पार पाहे पाजल बिखमस का हो गुर शब्दी पार पाहे दिठे तो समरथ जिठे तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन बाबा दीप सिंह 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 जी जिथे तू सम्राट जिथे कोई नाहे जिथे तू सम्राट जिथे एक गुरु रामदास बाबा दीप सिंह गल्ला करो गल्ला प्यो ना और पई है ही नहीं विच तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी सारे प्यार नाल ते गज के आखो तन बाबा दीप सिंह जी जिनको लगी प्यास अमृत से खाए जिनको लगी प्यास अमृत से खाए कल में एहो पुन एहो पुन एहो पुन एहो पुन जेड़ा कम कर रहे हो ना आ अमृत वेले सिमरन बंदगी महाराज केंद्र कलयुग के बिच इस तो वड्डा दूजा पुन है ही कोई नहीं आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी तुसी सियाने हो तुसी मन लो किसी गरीब नो बस्तर दान करते ना बस्तर एक पुन बन गया तुहाडा एक एक पुन है जी किसी लोड़वंद की शादी कराती एक पुन होर कट्ठा हो गया प्यासे नू पानी पिलाता एक पुन होर कट्ठा हो गया इदा ही है ना ते तुसी करोड़ा पुन कट्ठे करने होण ना करोड़ा पुन ते किन्ने साल लग जाने साल मैं कहना सारी उम्र भी कई लगे रहने करोड़ा पुन नहीं कट्ठे हो सकते पर महाराज ने एक सौखा रस्ता देता केंदे कोट पुन सुन हर की बाणी केंदे करोड़ा पुन तेरी झोली दे विच हुणे ही पै जाने महाराज ओ किवें केंदे प्यार नाल तू संगत विच बह के बाणी नू सुन जिहड़ा कम कर रहे हो सत श्री अकाल करोड़ा पुन एक पासे हां जी ते बाणी नू सुनना कीर्तन नू सुनना एक पासे बड़ा वड्डा पुन है एवं छोटी गल नहीं और तुसी सियाने हो अमृत वेले जिन्हों गुरु रामदास सदा मारदे ने ना उठ के ओ ही आउंदा है सत श्री अकाल जिन्हों सदा नहीं ना वजदा ओ उठदा ही नहीं घड़ी का अलार्म सुन के भी बंद कर देंदा चल पांच मिनट होर सो जाने सदा नहीं ना आया ते जिन्हों सदा आ गया कई किलोमीटर तो चल के आ जाएगा सदा सदा मारे अज महाराज ने सानू और तुसी सियाने हो पहले समयां दे विच हुंदा पता की सी जिहड़ी लागण हुंदी सी ना लागण कम करन वालियां घर दे विच
घर दे विच ब्याह दा समां आ जाणा ते घर दे मोढ़ी मैंबर ने कहना कि अज गाउण रखना है राती आ फलाने फलाने घर दे बंदे ने उहनां नूं सुणिया दे आ ਉਹ ਲਾਗਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪਰ ਅੱਜ ਗਾਉਣ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਕਰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਜੀ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਕਮਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਬੋਲੋ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਪੜੋ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
चढ़दी कला चे ओ श्री अकाल सब सैनों किरपाल संभाले साहे साहे 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 बिरथा कोई ना जाहे जिया में तुद आहे बिरथा कोई ना जाहे जिया में तुद आहे तिथे तो सम्राट जिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे उठे तेरी रख अग्नि उतर माहे उठे तेरी रख अग्नि उतर माहे छट जाहे सुन के जम के दूत नए तेरे छट जाहे 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 तन गुरु गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी नए तेरे छट जाहे नए तेरे छट जाहे तन तन बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा दीप सिंह तन तन बाबा दीप गज के तन तन बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा बड़ी ताकत ते नाम चे तन तन बाबा होने बुलाओ होने हाजिर तन तन बाबा दीप सिंह जी 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 नए तेरे छट जाहे नए तेरे छट जाहे नए तेरे छट जाहे नए तेरे छट जाहे छट जाहे नाए तेरे छट जाहे नाए तेरे छट जाहे नाए तेरे छट जाहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाहे तिथे तो सम्राट जिथे कोई नाहे पढ़ो तिथे तो सम्राट जिथे कोई नाहे तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी
मैं तेरा धन गुरु रामदास जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा 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 धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा 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 धन गुरु रामदास जी मैं तेरा धन गुरु रामदास जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा वाहेगुरु 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 गज के वाहेगुरु 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 बलदी हुई पट्ठी दे विच छाल मारी दो शब्द पढ़ रहे तत्ती वाओ ना
पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। ते दूजा शब्द तिथ है तू समरथ जिथ है होए ना ये शब्द ते इतिहास दे पन्नियां दे विच लिखे है। दो राय दित्तियां ने इतिहासकारां ने, मैं दोवें पक्ष तुहाडे अगे रख देना। कहिंदे जदों भाई बिधी चंद जी ने गुरु साहब दे चरणां दा ध्यान धर के शब्दां दे जाप शुरू कीते एकदम बदल आ गए। बदल मौसम भी तो उहदे हुक्म च है ना। बदल आए, वर्खा होनी शुरू होई, वर्खा दे नाल ओ बलदी हुई पट्ठी ठंडी पै गई। ते जदों सारे पासे बदल, कई वारी तुसी वेखो घने बदल छा जांदे ने, दिन वेले भी इदां लगदा जिवें रात हो गई। कहिंदे इन्ने घने बदल छाए ते फिर सारे पासे जदों हनेरा होया ते इह भज्जण विच कामयाब होए ने भाई बिधी चंद जी। ते दूजा कई प्यार वालिया ने इदां भी लिखिया, कहिंदे जदों इन्हां ने शब्दां दे जाप शुरू कीते ना भाई बिधी चंद जी ने, छेवें पातशाह जी दे चरणां दा ध्यान धरिया होया, ये बलदी हुई भट्ठी दे विच ने, ते उधर छेवें पातशाह अकाल तख्त साहिब बैठे एकदम अपने आसन तो उठे ते सिखां नूं की कहिंदे, सिखो साडे शरीर दे उत्ते जल दीआं गागरां भर भर के पाई चलो। महाराज अज एह की चोच। ते महाराज छेवें पातशाह मेरे हजूर साई ने फिर बचन कीता, कहन लगे साडा प्यार वाला सिख है भाई बिधी चंद, गुरु दे हुक्म नूं मन्नण वास्ते गया ते उन्हें बलदी हुई भट्ठी दे विच छाल मार दित्ती है। तुसी साडे उत्ते ये जल दीआं गागरां भर भर के पाई चलो, असी अपने सिख नूं तत्ती वाह नहीं लगण देने। ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾ, ਅਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ,
किसी इस जीवन दी कुछ होर कहानी होड़ी सी जे चरनी न देंदे था जे चरनी न देंदे था असारुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी असारुल जाना सी असारुल जाना सी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी प्यार न लखो न जी तन बाबा दीप सिंह जी असी टुटिया पत्तिया वांगू नाले रुलदे सी गल गल दे उते अखां तो अथरू डुलदे सी असी टुटिया पत्तिया वांगू नाले रुलदे सी गल गल दे उते अखां तो अथरू डुलदे सी जे तुसी न देंदे खुशियां जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असारुल जाना सी आखरी लाइन है सारे पढ़ो मेरे नाल गुरु नानक कृपा कीती गल नाल लाया ए पढ़ो गुरु नानक कृपा कीती गल नाल लाया ए जी गुरु रामदास कृपा कीती गल नाल लाया ए गुरु रामदास कृपा कीती गल नाल लाया ए बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल नाल लाया ए बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल नाल लाया ए सानू डिगदियां पैंदियां नूं उपर उठाया ए सानू डिगदियां पैंदियां नूं उपर उठाया ए तुसी प्यार दिता बण मां तुसी प्यार दिता पण मां नहीं ते रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी तुसी न फड़ दे बा पिता जी जे तुसी न फड़ दे बा पिता जी जे तुसी न फड़ दे बा असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी मा
सारे फतेह बुलाओ आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सत्संग जी 27 तरीक आ रही सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है हर महीने की 27 तरीक नूं असीं बाबा दीप सिंह जी दे जन्म दिहाड़े नूं आगमन दिहाड़े नूं समर्पित करके बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं। इस वार का भी चुपहरा जप तप समागम सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक होएगा। मेरी सारे परिवारक मैंबरों के चरणों से बेनती, मैं पता है अमृत वेले के समागम चल रहे हैं पर प्यारे किसी ने भी चुपहरे के अपना नेम भुगता दे गैर हाजरी नहीं करनी। अमृत वेले उठ लिया ये नेम तोड़ दिता फिर गल नहीं जे बननी, ये नेम भी रूटीन नाल सब ने भुगता है और सब नूं पता है बाबा दीप सिंह जी चुपहरे ते किवें बहिंदे ने एक एक दियां झोलियां भरन वास्ते एक एक नूं दातां नहीं देंदे दातां वंडण वाला बनाउंदे ने। मैं हजारां प्रेमी तुहानूं विखा सकदा जिहड़े तुहानूं कहणगे असीं चुपहरियां दे विच जदों जाणा शुरू कीता गुरु रामदास बाबा दीप सिंह ने सानूं आह दात देती आह दात देती। ते मेरी बेनती है 27 तरीक नूं परिवारां समेत वहीरां कत्त के सारियां संगतां ने तकरीबन 9 बजे तक पहुँच जिओ प्रशादा पानी छक के चौंकड़े मार के फिर पूरे चुपहरा जप तप समागम दे विच हाजरियां भरन की कृपालता करियो और सवेरे 8 बजे 27 तरीक नूं सवेरे 8 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जिहड़ियां अमृतसर शहर तो आने वाली संगतां ने जां तरन तारण साहब वालों उधरले पिंडां तो आने वाली संगतां ने उन्हां दे राम तीर्थ रोड आने दे लई जो बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो 8 बजे सवेरे बसों का प्रबंध किया गया जिहड़ियां बसा संगत नूं लै भी आउणगियां राम तीर्थ रोड ते वापसी समाप्ति तो बाद उत्थे छड्ड भी देणगियां। आओ बाबा दीप सिंह जी दे कोलों खुशियां लैण दा समां बापू दीप सिंह दा जन्म दिहाड़ा रल मिल के मनाईए बापू दीआं खुशियां लईए। इह सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सत संगत जी बहुत ही जरूरी सुनिया है इनू सुनियो भी और हर सोशल मीडिया साइट के उत्ते शेयर भी करो जिमें कि सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरों को पता है कि रोजाना 40 दिन का अमृत वेले का समागम बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड विखे प्रारंभ होया पर मौसम के कुछ तब्दीली होने के करके ये संगत ध्यान नाल बेनती सुने मौसम विच कुछ तब्दीली होण करके ये जिहड़े अमृत वेले दे समागम ने 16 जून तो 16 जुलाई तक जिहड़े 30 दिनां दे समागम ने वह बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे होणगे। फिर मैं दोहरा रहा 16 जून तो 16 जुलाई तक दे एक महीने दे जिहड़े समागम ने वो बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे रोजाना अमृत वेले 3 तो 5:30 बजे होया करनगे। सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां दे चरणां च बेनती हुम हुमा के ये अमृत वेले दे समागमां दे विच आके जुड़ो और गुरु रामदास जी दीआं खुशियां प्राप्त करो। मैं अगे भी जिवें तुहानूं पहले बेनती कीती है ये 40 दिन अमृत वेला संभाल लो गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी तुहानू संभालणगे और जिहड़े बहुत दूर दरेडे रहण वाले हो उन्हां नूं मैं बेनती करदा 12 जुलाई तो 16 जुलाई घट तो घट 5 दिन आके तो हाजरी जरूर भरियो। जिहड़े कोई बंबई रहिंदा कोई इंदौर रहिंदा कोई किते बहुत दूर दूर जिहड़े रहिंदे हो लाइव के माध्यम राहीं ते तुसीं जुड़ना ही है पर 5 दिन आके शरीरक तौर पर भी जरूर हाजरियां भरियो। ये मेरी बेनती टिकटां वगैरह बुक करा लो 12 जुलाई तो 16 जुलाई तुसी भी आके सारे परिवारक मैंबरां ने हाजरियां भरनिया ने। बाकी फिर मैं रिपीट कर रहा हाँ कि 16 जून तो 16 जुलाई तक ये एक महीने के जिहड़े अमृत वेले के समागम रोजाना 3 तो 5:30 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे होणगे। आओ गुरु पिता दीआं खुशियां लईए गुरु साहब दीआं रहमतां दे पात्र बनीए और अपने अपने नगरां दे विच एक ढंडोरा दे दिओ एक हलूणा दे दिओ कि अमृत वेला संभालो जी ये लहर हर पासे चला दिओ
जिहड़े बहुत दूर दूर रहण वाले अपने पिंडां विच नगरां दे विच प्रोजैक्टर ला लो, अमृत वेले सारी संगत नूं इकट्ठियां करिया करो, दो ढाई घंटे बह के कीर्तन दा सिमरन दा आनंद लिया। ये रूटीन पक्की सैट कर लो कि 40 दिन असी प्रोजैक्टर ला के अपने अपने इलाकियां विच, अपने अपने मोहल्लियां दे विच, अपने अपने गुरु घरां दे विच जुड़ना है। और जिथे जिथे तुसी प्रोजैक्टर लाओ, तुहाडे इलाके विच संगत जुड़े, उह सानूं वीडियो क्लिप जरूर भेजियो कि साडे इलाके विच इदां संगत जुड़ रही, फिर वह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते संगत दे सामने शेयर करांगा, होर संगत नूं इहदे नाल उत्साह मिलेगा। भुल्लियो ना, 16 जून तो 16 जुलाई बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे अपन सारे परिवारक मैंबरां ने सवेरे 3 to 5:30 तक, 2:30 सारे मैंबर पहुँच जाया करो, 3 to 5:30 तक अपन सारिया ने अमृत वेले के समागमों में जुड़ना। यह सारा समागम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते रोजाना लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं अज मैं वधाई देण वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3, 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी, गुरु पिता जी ने कृपा की है, सारी संगत ने असीस दिती, जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी, जो तुसी किणका किणका देते हो, क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती, 25,000 गज जगह और 2500 रुपया गज की सेवा है, तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी उहदे लई असी उन्हां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्टरी जिहड़ी 20 अप्रैल नूं होनी सी, अद्धी पेमेंट चली गई, हुण जिहड़ी अद्धी पेमेंट है वह 20 जुलाई तक असी उन्हां नूं देनी है, और फिर उस तों बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। जिहड़े जिहड़े प्रेमियां ने बहुत सहयोग दिता है तुहानू भी, और जिन्हां ने अजे तक सहयोग इस भूमि दान विच हिस्सा नहीं पाया, तुहानू भी मैं बेनती करदा आप जी वध तों वध जोर लायो, तां जो ये रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके। और तुहानू दसदिआं होइआं मैनूं खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दिया प्रवान पार्क जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा, बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा कम रह गया, बिल्कुल नेड़े हैं उहदे मुहूर्त दे समय दे, और नाल ही जो संगत दी रहायश वास्ते सराह बन रही है उहदा कार्ज भी पूरी तेजी नाल चल रहा। और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी, उत्थे भी बड़ी तेजी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके ने। हर पक्ष तों मैं आप जी दी असीस ते बख्शीश दी आस रखदा। मेरी बेनती है भुल्यो ना, 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह दी, उहदी रजिस्ट्री होएगी, अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ भी दिओ, एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो, और इस भूमि दान दे विच, वड्डे दान दे विच, क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान, इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे, पेटीएम, फोनपे भी कर सकते हो, 9815-99513 नंबर ते, 9815089513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसी फोनपे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करना, भुल्यो ना, 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ, जिन्ना जोर ला सकते हो, ता जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल काम हो जाए, और होएगा उदों ही जदों तुसीं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमनदीप सिंह जी नूं आप जी सोशल मीडिया ते भी फॉलो कर सकते हो जी। भाई साहिब दे रोजाना दे समागमां दी जानकारी अते आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार दा हिस्सा बनन दे लई आप जी 7274000061 इस नंबर ते अपना नाम अते अपने शहर दा नाम लिख के व्हाट्सएप करो, अते ए नंबर भी अपने मोबाइल ते सेव करन दी कृपालता करो जी। धन्यवाद।